गाइस हफ्ते में सिर्फ दो बार इसे लगा लीजिए अपने बालों में। आपके बाल पहले से कहीं ज्यादा लंबे और घने हो जाएंगे। अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है तो वो स्टॉप हो जाएगा। इसके साथ साथ ये आपके बालों का वॉल्यूम बढ़ाएगा और आपके बालों को मजबूती देगा। जो आपका हेयर फॉल मतलब आपके बाल बिल्कुल बहुत जो वीक हो चुके हैं एकदम से टूट जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप ये रेमेडी अपने बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको लगा सकते हैं। यानी हर कोई अपने बालों की समस्या को दूर कर सकता है और अपने बालों की कंडीशन को सुधार सकता है। इनफैक्ट बॉयज भी लगा सकते हैं। तो देरी किस बात की, फटाफट से देख लेते हैं इस रेमेडी को बनाना कैसे है, किन चीजों की जरूरत है और लगाना कैसे है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जमकर शेयर करें। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा अकाउंट है @ishamehra और फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम। इसके लिए सबसे पहले आपको एक लाल प्याज ले लेना है, ठीक है। उसके बाद हम इसको छीलेंगे। प्याज में भरपूर मात्रा में सल्फर होता है, वो भी जो ज़्यादा लाल होता है। और इससे क्या होता है, जब आप इसका इस्तेमाल अपने बालों में करते हैं तो आपके बालों में अगर डैंड्रफ है, आपके बाल बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, आपके बालों में स्ट्रेंथ नहीं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, आपके बालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है और उनका झड़ना बिल्कुल रोक देता है, ठीक है। तो बस मैं इसको अब छील लूँगी और छीलने के बाद इसको कद्दूकस कर लूँगी। यहाँ पे मैंने प्याज को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और अब मैं इसको छन्नी की मदद से इसका जूस निकाल लूंगी एक बाउल में। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आपके जितना भी हेयर फॉल हो रहा है उसको स्टॉप कर देगा, वो भी मात्र 7 दिन में। ये मेरा चैलेंज है, आप इसको प्लीज एक्सेप्ट करके देखना। और जिसको भी अपने बालों में चेंजेस नजर आए प्लीज कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। अब आप देख सकते हैं ये अनियन जूस बहुत अच्छे से बाउल में आ चुका है, ठीक है। अब हम इसमें अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, वो है हनी। तो आप इसमें 1 चम्मच हनी ऐड कर लीजिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 स्पून कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आपके बालों को इतना सिल्की बनाता है और अगर आपका गंजेपन के आप शिकार भी हो रहे हैं, कहीं कहीं एरिया से आपके पैच बनते जा रहे हैं बालों में, मतलब आपके बाल उड़ रहे हैं सेंटर से या साइड से, तो ये वहां पे भी आपके नए बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट रहेगा हमारा एलोवेरा जेल। आप चाहें तो जो प्लांट वाला है वो लें, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपके पास वो नहीं है, जैसे मेरे पास में भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे ट्यूब वाला ले रही हूँ। एलोवेरा जेल आपके बालों के पीएच लेवल को मेंटेन करता है, आपके बालों को बहुत ही स्मूथ और शाइनी बनाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा रहेगा कैस्टर ऑयल। आप देख सकते हैं मैंने ऑलमोस्ट बॉटल इसकी यूज़ कर दी है, क्योंकि ये बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ये आपके बाल जितना भी झड़ रहे हैं, आप गंजेपन के शिकार हो रहे हैं, ये आपके बालों की ग्रोथ को दुगना कर देता है, बहुत तेज़ी से आपके बालों को फास्ट करेगा। वो टोटली डिपेंड आप पे करेगा कि आप उसको कट करवाना चाहते हैं या लॉन्ग रखना चाहते हैं। साथ में हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट रहेगा, वो है विटामिन ई का 1 कैप्सूल। उसका जेल हमें इस ऑयल में ऐड करना है और उसके बाद हम इसको डबल बॉयलर की हेल्प से इसको गर्म करेंगे। जब भी आप सर्दियों में ऑयलिंग करते हैं तो एक बात का ध्यान रखें, हमेशा आपको ऑयलिंग जो है वो हल्के कोसे तेल की ही करनी है, क्योंकि वो हमारे स्कैल्प पे बहुत अच्छे से जाता है और आपके बालों की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है और आपके जो इतने भी पोर्स हैं सर में उनको ओपन कर देता है। तो आप देख सकते हैं इसको डबल बॉयलर की हेल्प से मैंने इसको गर्म कर लिया है। तो इस तरीके से आप एक कॉटन ले लीजिए और या आप अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से भी अपने बालों में इस तरीके से डिवाइड करते जाएं और बालों में अप्लाई करते जाएं और उसके बाद में 1 घंटे के लिए एज इट इज छोड़ दें। उसके बाद अपना नॉर्मल शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करें। अब जान लेते हैं इस तेल को इस्तेमाल कितनी बार करना है। हफ्ते में इस तेल को आपने 2 बार अप्लाई करना है। जब भी आप हेड वॉश करें उससे 1 घंटा पहले इसको अप्लाई करें और फिर देखें इसके अल्टीमेट रिजल्ट। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज जमकर लाइक करें, शेयर करें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरा अकाउंट है @ishamehra। ऐसे ही मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाती रहूंगी, जिंदगी को और बेहतर बनाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।